अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपके पास नाइट में कोई सालन बच जाए, चिकन हो या मटन हो, तो आप दिन में इसमें कोई अच्छी सी सब्ज़ी डाल के बहुत अच्छी सी आप एक और रेसिपी तैयार कर सकती हैं। जैसे कि हम बासी रोटियों से बहुत अच्छे से पकवान तैयार करते हैं, या हम उस को बहुत ही अच्छे से आमलेट लगा के तैयार किया जाता है। इस तरह से मेरे पास चिकन का सालन बचा हुआ है, तो इसमें मैं आलू डाल के बहुत अच्छी सी एक रेसिपी बना रही हूँ, जो आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैं इस तरह से आलू को आपने काट लेना है, और मेरे पास चिकन का सालन बचा हुआ है, साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टोमेटो या आप दरमियाने साइज़ के दो ले लें, और एक प्याली दही में मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसमें ना ही लहसुन है ना ही अदरक को ऐड किया है, ओनली एक मैंने बड़े साइज़ का टोमेटो ले लिया और एक कप दही का ले लिया। साथ ही एक मैंने बड़ा चम्मच ऑयल का डाल के प्रेशर में, तो इसमें मैंने प्याज काट के डाल लिया। ये मीडियम साइज़ का प्याज है, आपने अपनी मर्ज़ी से मीडियम ले लें या इससे भी आप कम ले सकती हैं। अब मैं इसको लाइट ब्राउन करने लगी हूँ, बहुत ही झटपट सी हमारी एक और रेसिपी तैयार हो जाएगी। इस तरह से अगर कोई सालन बचा हुआ हो तो उसको ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ी गोश्त हर चीज़ बहुत महंगी है, तो इस तरह से हमारी एक बजट के साथ एक और सालन बन जाता है। अभी ये लाइट ब्राउन ही स्टार्ट हुए हैं प्याज हमारे, तो मैं इसमें टमाटर ऐड करने लगी हूँ। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इनको मिक्स कर लिया जी। अब मैं इसमें टमाटो और दही का पेस्ट जो मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है, तो मैं ये डाल रही हूँ अब इसके अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं तो कुछ रह जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं हसब ज़रूरत। अब हमने इसमें मसाले ऐड कर लेने हैं। मैंने ले लिया है जी 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट का, 1 टेबलस्पून भर के ये रेड मसाला है, हल्दी भी 1 टेबलस्पून है, और धनिया भी भर के लिया है जी मैंने 1 टेबलस्पून। दो आलू बुखारे ले लिए मैंने, कुछ ज़रा सालन हाजमेदार भी बन जाता है और ज़रा इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है, और ज़ीरा भी मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया भर के। अब हम ये तमाम मसाले जी ऐड करने लगे हैं आलुओं में। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, फिर हम इनको मिक्स करते हैं। मेरी रेसिपी बहुत ही जल्द और क्विक बनती है, मिनटों में तैयार होती है। अब मैं इसमें ये सालन ऐड कर रही हूँ चिकन का, ये चिकन कढ़ाई थी, बहुत ही लजीज तैयार हो जाएंगे हमारे आलू भी, और ये सालन भी नहीं ज़ाया होगा। इस तरह से ये भी हमारी एक नई रेसिपी तैयार होने जा रही है आलूओं के साथ और बचे हुए सालन के साथ। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है, उसके बाद मैं प्रेशर को थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके तो बंद कर दूंगी। हमारे आलू अच्छे से नरम हो जाएंगे, लहसुन ने थोड़ी देर ही इसको भूनना है। ये देखें बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ ये बन रहे हैं। मसाला भी अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा और झटपट तैयार किया मैंने, माशाल्लाह से ये अभी देखने में भी बहुत अच्छा और कलरफुल लग रहा है माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करने लगी हूँ। ये रेसिपी बनाते हुए आपने ये बहुत ख्याल रखना है कि हमने मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, और हमने अपने ये मसाले को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। बस जैसे ही ऑयल निकलना स्टार्ट हो तो फिर मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। अब ऑयल स्टार्ट हो गया निकलना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम पानी ऐड कर देते हैं। इतना डालें कि बस हमने आलूओं को अच्छे से सॉफ्ट करना है। चिकन तो हमारा पहले से ही सॉफ्ट है, बस थोड़ा सा और जाएगा इसमें। ये अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने पानी डालने के बाद, अब मैं कवर करने लगी हूँ जी। ये कवर हो चुका है, अब हम इसके ऊपर विसल भी दे देते हैं। अब हम 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह इसको ओपन करेंगे, तो बहुत ही लजीज किस्म की हमारी ये एक न्यू रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। 15 मिनट में माशाल्लाह जी ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आलू और चिकन का बहुत ही टेस्टफुल बना है, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। अब मैंने गरम गरम रोटी मंगवा ली है, मैं इसे डोंगे में निकालती हूँ और फिर हम गरम गरम रोटी के साथ इसको इंजॉय करते हैं। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टफुल सालन बना है। लाइट साइज़ के ऊपर धनिया भी छिड़क दिया है,
बहुत ही कम स्पाइस के साथ मज़ेदार आलू और चिकन का सालन बहुत ही मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। अगर घर में आपके पास मटन या चिकन बचा हुआ है, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। अपनी दुआ में याद रखा करें।